उमेश जी नमस्कार। उमेश जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज जी उमेश जी बहुत सवाल साफ। पूछिए। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, थैंक यू। मेरे पास 1,000 शेयर हैं HCG हेल्थ केयर ग्लोबल के, जो मैंने अभी 1 महीना पहले लिए थे 370 रुपये में। तो इसमें क्या करना चाहिए? एक दो महीने और रख सकते हैं? ओके तो राजेश सर 1,000 शेयर करीब इनके पास हैं HCG के, हेल्थ केयर ग्लोबल के। अभी फ़िलहाल ये ₹14 पर शेयर के प्रॉफिट में है, 370 रुपये खरीदारी, 384 चल रहा है अभी। क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी, यहाँ पे देखिए, जो ब्रेकआउट हुआ है वो 370 का है। अगर आप इसे डेली चार्ट देखते तो बहुत क्लियर ब्रेकआउट मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो 370 के ऊपर पिछले 5 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं लगता है ये 410 415 के टारगेट के लिए रेडी है। तो फिलहाल तो आप यहाँ पे जो पोजिशन है उसमें बने रहे, 365 का स्टॉप लॉस। 365 का एक स्टॉप लॉस रखें और अपनी पोजीशन में बने रहें, ये आपको राय दी गई है। अहमदाबाद चलते हैं, निसर्ग साहब हमारे साथ वहां पे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। निसर्ग जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार निसर्ग जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने टाटा एलेक्सी के करीबन मोर देन 1 ईयर, 1-1.5 साल पहले 7650 रेट पे 50 शेयर्स लिए हैं। तो क्या उसमें ज्यादा कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो कैन आई होल्ड और सेल? तो निसर्ग साहब आपने टाटा एलेक्सी की खरीदारी से पहले का चार्ट देखा है? क्योंकि उससे पहले बहुत एग्जॉर्बिटेंट चला था ये शेयर। नहीं चला था, लेकिन ऐसा मेरा मानना था शायद अभी और भी आगे जाएगा तो हम होल्ड करते रहे, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। लेकिन शायद करीबन 1 साल से शायद उसमें कुछ मूवमेंट ज्यादा नहीं है, तो क्या उसमें बने रहना चाहिए, क्या स्विच होके और कोई शेयर में जाना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन था। तो राजेश सर, टाटा एलेक्सी एक बढ़िया तेजी के एंड साइड पे इन्होंने खरीदारी की, करीब 7600 7500 7600 की रेंज में, और नज़रिया लंबी अवधि का है। लेकिन वो अब 1 साल के अंदर कंसोलिडेशन में, एक रेंज में ही कह लीजिए आप, 6.5 7.5 मैक्सिमम 8 की रेंज तक जाता है, फिर नीचे आता है। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए ना? मुझे लगता है ये सेक्टर ही पूरा थोड़ा सा, आप तो कह सकते हैं कि लगाड़ है, थोड़ा उभरने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि जिसमें इसमें जितनी भी सेलिंग होनी थी, अगर इन पर्टिकुलर टाटा इलेक्ट्रिक की बात करें तो देखिए 9,000 के आसपास का इसका हाई था, 9,200 9,000 के आसपास, और वहां से ये करेक्ट हुआ करीबन 6,500 तक। तो आप यू कैन से दैट वन बाउट ऑफ सेलिंग दैट सीम्स ओवर टू मी। इनफैक्ट यहाँ से थोड़ा थोड़ा संभलेगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे बड़ी बाइंग होगी, क्योंकि ये काउंटर भी बड़ा है, 7,200 का काउंटर है। तो अगर आप कह सकते कि अगर 50 शेयर भी लेते हैं तो 3-4 लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो इट्स नॉट एन ईजी। तो यहाँ पे देखिए, बड़े FIIs की जब बाइंग होती है ऐसे काउंटर में, तब जाके ये काउंटर्स बड़े बड़े मूव होते हैं। तो प्रोबेबली आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपका होगा 6,800 का। 6,800 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे, इसका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 7,650। अगर वो लेवल निकल जाए तो 9,000 तक का मूव मिलेगा। सो काउंटर, यस, काउंटर थका रहा है, ये टायर्ड बुल वाला सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन आई थिंक काउंटर में कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती। इनफैक्ट इस लेवल पे मुझे अच्छा लगता है। तो इनफैक्ट ये निसर्ग साहब वैसे भी बढ़िया तेज़ी दिखाया है, तो थोड़ा सा समय लेगा कंसोलिडेशन का, क्योंकि बड़ी तेज़ी है, तो जितनी बड़ी तेज़ी उतना बड़ा कंसोलिडेशन, तो समय लगेगा। लेकिन बने रहिए, कंपनी अच्छी है इन टोटल, और आपके लिए 6,800 का एक स्टॉप लॉस भी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अब विकास कुमार मौजूद है हमारे साथ बस्तर से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार। सर, मेरे पास 15 शेयर था कुमार साहब, सुन सर, पा रहे? हेरिटेज फूड जी के। मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था सर इसे, और क्योंकि अभी मार्केट उसका काफी गिर गया सर, तो मुझे क्या करनी चाहिए सर? तो ये आपने लॉस खरीदारी की बुक होगी करके मुझे जो क्या मैं चुनावी, पारस या BEL में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ? नहीं, तो विकास जी मुझे एक बात बताइए, आपने हेरिटेज में खरीदारी की थी वो चुनावी फेरबदल के बीच में, राइट? जी सर। तो आप उसमें से निकल कर अब उन शेयरों में जाना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं, जैसे पारस और जैसे BEML, राइट जी सर। सर? लेकिन ऐसा क्यों, जो ऑलरेडी बढ़िया तेजी में था आपने उसमें खरीदारी की, वहां लॉस आया, अब आप उनमें जा रहे हैं जो वापस बढ़िया तेजी में है,
सो ऐसा किस लिए, मतलब मोमेंटम चेस करते तो आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया फिर? नहीं, स्टॉप लॉस लगाने में ध्यान तो उतर गया सर इस चीज के लिए मुझे, तो उस वजह से मैंने लगा नहीं पाया था। उसकी वजह भी आप देखिए ना, 125 रुपए नीचे आ चुका है शेयर, यानी अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो 20-25% के आसपास के तो आपको लॉस हो रहा है अभी कॉस्ट से। राजेश सर क्या करना चाहिए हेरिटेज फूड में अभी तो, क्योंकि ये शेयर सर्किट टू सर्किट चला है और एक तरफा तेजी दिखाई फिर एक तरफा बिकवाली दिखा रहा है, और अब ये यहां से निकल कर चाह रहे हैं कि ये पारस डिफेंस BEML जैसे शेयरों में चले जाएं जो ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा रहा है, क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी आपने सच में एक बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पे रेस किया। ऑन अ लाइटर नोट आपने जो बोला वो मैं बिल्कुल बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि जनरली हम लोग उस काउंटर को चेस करना चाहते हैं कि जो काउंटर ऑलरेडी एक रैली में है और जहाँ पे न्यूज है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने की भी जरूरत है। देखिए उन्होंने जो प्राइस लिया है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ और जहाँ से करेक्ट हुआ, तो जहाँ पे न्यूज आउट वहाँ पे इन्होंने एंट्री की है, और ऑब्वियसली एट दिस लेवल ऑफ 572 इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और आप यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, आपका लॉस बुक करना है, तो ये एक बहुत डिफिकल्ट काम हमारे पास आ जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको लॉस बुक करना चाहिए, आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि काउंटर में मुझे लगता है कि यहाँ पे न्यूज आउट है और प्रोबेबली यहाँ से लिक्विडेशन होता रहेगा, 500 तक ये एक बार के लिए फिसल भी सकता है, तो काउंटर देखिए मेरे हिसाब से तो दिस इज अ क्लियर कट एग्जिट। और जैसे मैंने कहा सुमित जी कि जो काउंटर्स हम ट्रैक करें जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक या अपोलो टायर, जैसे कि बात वेदांता, तो जहाँ पे देखिए जहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद पहले बार ब्रेकआउट होता है वहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट देगा और ना कि सिर्फ मोमेंटम। मोमेंटम सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो इंट्राडे करते हैं, और इंट्राडे मोमेंटम करके आप दिन के क्लोजिंग के पहले उसको खत्म करना है तो वो बात अलग है, लेकिन आपने मोमेंटम को इन्वेस्टमेंट कर दिया तो दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी।